हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। पहली बार आयोजित की जा रही है शाहबाद महोत्सव, इसका नाम दिया गया है। ये पुराना जो शाहबाद जिला था, जो 1972 से पहले रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर चारों जिला को विभाजन होकर बन गया, जो चार जिला हो गया, पुराना शाहबाद। शाहबाद के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको याद करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यहाँ के जो हमारे परंपरागत कला रहा है, जो संगीत और नृत्य का, उसकी प्रस्तुति की जाएगी। हमारे यहाँ के प्रमुख जो व्यंजन क्या है उसका एक स्टॉल लगाया जाएगा। और हमारे यहाँ हरिचंद्र से लेकर, हरिचंद्र के बेटा रोहतास से लेकर आज तक के जो भी ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं, हरिचंद्र के बाद बड़ा नाम शेर शाह का या फिर कुंवर सिंह का या जगजीवन बाबू का, जो भी है, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जो भी हैं, उनकी एक हम प्रदर्शनी लगाएंगे, चूंकि आने वाले जनरेशन इसको जाने कि हमारी परंपरा क्या रही, हमारे महापुरुष कौन रहे हैं, हमारा देश के इतिहास में योगदान क्या रहा है। देश ही नहीं, दुनिया के इतिहास में शाहबाद का योगदान रहा है। कब आयोजन किया जा रहा है? ये 22 दिसंबर को है, 22 दिसंबर को विक्रमगंज में इंटर स्कूल है, वहाँ रखा गया है। और इसमें हर क्षेत्र के लोगों को, जैसे जो शाहबाद के मूल निवासी और बाहर में भी सांसद हैं, उनको बुलाया गया है। हमारे यहाँ के सांसदों को छोड़ दिया जाए तो औरंगाबाद में जो सांसद हैं हमारे यहाँ के हैं, सुशील कुमार सिंह जो चतरा के सांसद हैं हमारे यहाँ के हैं, बैरकपुर कलकत्ता के सांसद जो हैं अर्जुन सिंह हमारे यहाँ के हैं, मनोज तिवारी जी आ रहे हैं जो हमारे यहाँ के हैं, दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, आपको जयंत सिन्हा जी आ रहे हैं, संजय निरुपम जी बम्बे से आ रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। इसके बाद कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो भी जुड़े हुए यहाँ के बड़े बड़ी हस्तियां हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जो हैं आईएएस आईपीएस हैं, बिहार के डीजीपी हैं, झारखंड के डीजीपी हैं, संजोग देखिए सारे लोग शाहबाद के, इन सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है 22 दिसंबर को। बस प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।